अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है विद डिफरेंट क्वेश्चंस एंड मुख्तलिफ चीज़ें। लास्ट जो मैंने बनाई थी रेसिपी वो थी 10 मुहर्रम की न्याज का जो कोरमा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शायद ये सोचा कि वो मुर्गी का सालन है, क्योंकि यूजली जो हमारे यहाँ पे खाया जाता है वो बड़ा थिक कोरमा होता है, थिक उसका ग्रेवी जो है वो थिक होती है। मैंने जब भी कहीं खाया तो मुझे बहुत हैवी फीलिंग होती थी। तो अगर आपने किसी को देना है और लोगों को देना है अब, तो उसमें होता ये है कि उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इतना ज़्यादा हैवी अगर खाएंगे नान के साथ तो वो भी ठीक नहीं। तो मैंने इसलिए जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी सी थिनर रखी थी, क्योंकि वो लाइटर होता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लें तो आपको हैवीनेस नहीं होती। बट आप लोगों ने पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेसिपी है इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, यकीनन आप लोग पहली दफ़ा ही, मैंने भी जब मैं एयरलाइन में थी तो मेरी साउथ इंडियन एक दोस्त थी तो उसके घर पे मैंने खाई थी, तो मैंने वो इत्तेफाक से एक अपनी जर्नल में देख ली। आज मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रही थी जर्नल्स, वो पुरानी जर्नल निकली उसमें वही रेसिपी जो है सूजी की रोटी की वो निकली, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वेरी वेरी ईजी, और सेमलीना सूजी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ साथ आप ज़रूरी नहीं कि उसका सिर्फ हलवा ही बनता है या कोई और मिठाई बनती है, आप ये रोटी खाएंगे चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे आप अपने लंच बॉक्स में या बच्चों को भी दें, उनको पता भी नहीं चलेगा। सूजी से एक तो ताकत भी आती है और दूसरा ये कि वो ओवरऑल हेल्थ के लिए सूजी बड़ी ज़बरदस्त है। सो ज़रूर आज आपके साथ मैं ये शेयर करना चाह रही थी सूजी की रोटी, और इसमें कोई वीट नहीं है, इसमें सारी जो चीज़ें डलेंगी वो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और कम खर्च भी है, और एक नया फ्लेवर टेस्ट मिलेगा आपको कि आपके जो फ्रेंड्स या गेस्ट हैं एज अ स्नैक के तौर पे आप इसको चाय के साथ भी शाम में खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो अभी आपको इंग्रेडिएंट्स उसके बता दूं और फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए ये जो मेजरिंग कप है जो कि आपको मिल जाएगा आसानी से बेकिंग के लिए जो यूज होता है, उसके मेजरिंग कप के हिसाब से आपने इसमें 3 कप डालने हैं सूजी सेमलीना, उसके बाद आपने इसमें डालने हैं 2 कप पानी, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप एग्जैक्टली ये दही। ये 3 चीज़ें पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद का मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी। जब इस इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बेसिकली 3-2-1 का रेशो है, 3 कप सूजी सेमोलिना डलेगी, 2 कप पानी डलेंगे ये मेजरिंग कप वाले, और 1 कप दही डलेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देंगे इसको 25 मिनट्स के लिए क्लिंग फिल्म ऊपर लगा के। उसके बाद की जो इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें शामिल करने हैं वो है हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और हसबे ज़ायका नमक जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी बाद में। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये बाद की हो गई, और अब मैं 3 चीज़ें जो हैं वो शामिल करूंगी सबसे पहले, और इसको मिक्स करके हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये 1 कप हो गया, ये 1 कप हो गया, मैं करीब करके दिखा देती हूँ आपको, ये हो गए ऑलमोस्ट पूरे 2 कप, और ये हो गया, ये इसको मैं फिल कर लूँ, ये पूरे 3 कप मैंने मेजर करके इसमें डाले थे। अब इसी तरीके से हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, 3-2-1 का आपने रेशो रखना है। ये हो गया 1 कप, ये हो गया 2 कप, और ये हो गया लास्ट 3 कप। अब आपने इसमें फाइनली जो है दही जो है वो आपने अच्छी तरह फेंट के, या वैसे भी आप मोटा मोटा भी डाल सकते हैं, ये 1 कप इसमें दही चला गया। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं किसी भी स्पैचुला या स्पून से, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको, अच्छी तरह इसको मिक्स किया आपने, मिक्स करके आपने इसको रख दिया कोई 30 मिनट्स के लिए, ये रख दिया आपने इसको 30 मिनट्स के लिए हम रख देंगे, तो ये मोटी मोटी हो जाएगी, यानी थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, सॉरी एक चीज़ भूल गई, इंग्रेडिएंट, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे ये आप देख सकते हैं 1 कप पूरा इसी तरह का मेजर्ड खोपरा जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो, 1 टीस्पून ये नमक का या हसबे ज़ायका,
एक टीस्पून जीरा, एक पूरा कप जो है वो धनिया कटा हुआ बारीक, और एक 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई। ये बाद का प्रोसीजर है, अभी इसको मैं कवर करके रख दूंगी और फिर उसके बाद आके आपको बताती हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे एक्साइटमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक हुई कि मैंने 3:1 का आपको रेशो दिया था कि 3 कप सूजी डलेगी, 2 कप पानी डलेगा और 1 कप जो है दही डलेगा। उसको मिक्स करके आपने 30 मिनट्स के लिए रख देना है। और मुझे लग रहा है कि अभी मैंने देखा नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैंने 3 कप सूजी के बाद 3 कप पानी डाला है और फिर 1 कप दही डाला है, तो वो मेरी मिस्टेक है। उसको मैंने इस तरीके से ठीक कर लिया कि मैंने इसमें 1 कप सूजी और ऐड कर दिया, जिससे उसकी थिकनेस जो है वो बरकरार रही है। उस वक्त मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा ये क्या हुआ है, सो वो मैं उस वक्त ज़ाहिर बातें कर रही थी और दिमाग में नहीं रहा, तो ये एक बिग मिस्टेक थी। आपने रेशो वही रखना है, 3 कप सूजी डलेगी, 2 कप पानी डलेगा और 1 कप दही डलेगा। सो सॉरी फॉर दैट। एंड एक और इंग्रेडिएंट मैं भूल गई जो हम बाद में ऐड करेंगे, धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें, हसबे जायका नमक 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा और एक बड़ा हीप्ड जो कप होता है इसी तरह का मेजरिंग, वो हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का, और 1 कप के बराबर इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी डलेगी। ये मैं भूल गई थी क्योंकि मैं भी बहुत अरसे बाद बना रही हूँ, मेरी पुरानी जर्नल में से मैंने नोट डाउन किया, सो प्लीज़ करेक्ट दैट जो शुरू में मैंने इंग्रेडिएंट्स में किया है। सो रेशो हमेशा याद रखें 3:1, 3 कप सेमोलिना यानी सूजी, 2 कप पानी और 1 कप दही डाल के ये अब देखें, अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये आप देख सकते हैं, ये अब उस तरह का थिक हो गया जिस तरह एक्चुअली जो सूजी की रोटी है उसमें चाहिए होता है। सो सॉरी फॉर दैट। अब ये 30 मिनट्स के बाद इसका जो टेक्सचर आएगा उसके बाद फिर हम मैं आपको तवे पे किस तरह बनाते हैं, बहुत इजी है, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का है। ओके, ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी। अब इसमें एक पूरा जो कप है वो मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का, फिर एक पूरा जो कप है 1 से 1.5 बड़ी प्याज जो है वो काट के बारीक, या आपने इसको साफ भी कर लेना है साथ ही में, और 1 टीस्पून जीरा, हसबे जायका इसमें नमक डलेगा, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ में ये हरा धनिया खूब सारा, आपने ना अच्छी तरह धो के इसको शामिल करना है इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी कि इतनी थिक हो जाएगा कि ये रोटी के लिए, और इसको बेलना वेलना नहीं है, अभी आपको मैं समझा दूंगी कि बहुत इजी है और ये इतने मज़े की बनती है रोटी कि आप खाली खाएंगे। इसके साथ बेसिकली आप टमाटर की चटनी कर सकते हैं, मिंट चटनी यानी पुदीने की चटनी ऐड कर लें, या फिर कोई सा भी डिप जो है, लेकिन वे ये इमली की चटनी जो है वो बड़े मज़े की लगती है। ये देख लें, हमने इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ें आपने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये देख लें। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए, बेशक आप फ्रिज में रख दें, थोड़ा ये सेटल हो जाए, सारे जो मसाले और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो अब्सॉर्ब हो जाए, फ्लेवर क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको कुक करेंगे। ये बन गया है इसका सारा बैटर, अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ओके, आपने कोई भी नॉन स्टिक तवा ले लेना है, उसके ऊपर मैंने ग्लव इसलिए पहना है बिकॉज बहुत सारे लोग फिर कहेंगे कि जी वो नेल्स हैं, आप लोग बेशक उसके बगैर भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें मैं देसी घी आप इस्तेमाल कर लें या फिर ऑयल कर लें, हल्का सा आपने इसको तवे को ऐसे करना है कि ये ग्रीस हो जाए। आप बेशक इसको जो ब्रश है उससे क्विकली से कर लें क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, या आपने इसको लेके ब्रश करके पूरे को ग्रीस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने जिस तरीके से रखा था अब आपने हल्की आंच पे रखना है, और ये लिया आपने बीच में रखेंगे, थोड़ा सा और लेंगे ताकि एक बड़ी सी, ये बेशक आप बीच में कर दें इसको, हल्की आंच रखनी है आपने, बिल्कुल तेज आंच नहीं रखनी। अब आपने इसको आहिस्ता 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 फैलाना शुरू कर देना है,
लेकिन बहुत आराम से ये वो लोग ही बनाए जिनको थोड़ी प्रैक्टिस है कुकिंग की। आपने आराम से इतना करना है, ग्लव मैंने पहना हुआ है लेकिन आपको फील हो जाएगा अपनी तरफ थोड़ा सा इसको। आपने बेसिकली जिस तरह पैनकेक, बट पैनकेक का जो बैटर है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली और ज़्यादा पतला होता है, आपने इसको फैलाना है अपनी तरफ ताकि ये आराम से जो इसका मोटा मोटापन है वो रोटी की शक्ल जो है वो इसकी हो जाएगी। आपने इसको फैलाते जाना है इसी तरीके से अपनी तरफ फैलाते जाएं। और ये देखें आपने गोल, थोड़ा सा और अगर बैटर ले लेंगे तो आपके लिए फैलाना आसान हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं बीच में से स्पेस निकल आए और उंगलियाँ ही जल जाएं। तो आपने इसको बहुत आराम से इस तरीके से फैलाते जाना है और नीचे आंच जो है ये हल्की आंच पे बनने वाली चीज़ है, तो थोड़ा आपको पेशेंस यानी थोड़ा सा ये आपको सब्र तहमुल से इस चीज़ को बनाना होगा। ये आपने कर लिया, उसके बाद ये देख लें बनी है। अब आपने क्या करना है, जो घी है थोड़ा सा हम ऊपर ड्रिजल कर देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा साइड्स पे, ताकि ये हल्की आंच पे अच्छे तरीके से आप इसको टर्न कर सकेंगे। फिर ये आपने किया और आपने कोई भी जो ट्रांसपेरेंट लिड है किसी भी और यूटेंसिल की उसको लेके इसको लेके कवर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आंच देख लें इसमें बहुत हल्की है, इसके ऊपर आपने इसको पकने देना है और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ये थोड़े सा कुक हो जाएगी तो किस तरीके से इसको पलटाना है। अब ये थोड़ा कुक हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं मैं लिड उठा रही हूँ, अब काफ़ी कुक हो गई है। अब हमने इसको पलटना है ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे तरीके से जो है ये इसको आपने लिया इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये देख लिया। अब इसको गोल्डन होना है, जब तक गोल्डन नहीं होगी इसका वो कलर नहीं आएगा तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। आपने दूसरी तरफ भी लेके जो ब्रश है इससे या फिर चम्मच से या किसी और चीज़ से, मैं क्योंकि आपको डेमोंस्ट्रेट कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, इससे ब्रश से ये होता है कि कम लगता है और बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो जितनी ज़रूरत होती है जितना उसके लिए चाहिए होता है वो रेडी होता है। अब आप देख लें इसको, मैं थोड़ा सा करीब को भी करके दिखा दूँ आपको, ये देख लें। अब इसको गोल्डन होना है थोड़ा सा, तो दूसरी तरफ भी इसको वापस से इसके ऊपर लगा देते हैं, थोड़ा कुक हो जाएगी तो उसके बाद जो है। अब वैसे लिड की ज़रूरत नहीं बिकॉज लिड हमने जस्ट बाइंड करने के लिए इसके लिए लगाई थी, अब बेशक लिड नहीं। अब मैं चेक करती रहती हूँ कि नीचे से इसकी जो सूरत हाल है, वो अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखते हैं पलट के कि इसका क्या। मैं भी देर से बाद ही बना रही हूँ, मुझे अपनी दोस्त जो है उसका नाम था संगीता और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको पलट देते हैं। थोड़ी सी अगर ब्रेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है सूजी है इसमें कुछ ऐसी बाइंडिंग की चीज़ तो है नहीं। ये आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गई है, पता नहीं आपको उसमें ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है कि नहीं। ये अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल हल्का सा शामिल कर दूँगी, हल्का सा, तो बहुत मज़े की बनती है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका क्लोज बता देती हूँ, ये देखें, ये देखें कितने मज़े की लग रही है। एंड इट्स डिफरेंट, और ये कि दूसरी रोटी ज़ाहिर है कैलोरीज में भी ज़्यादा होती है, ये आपको बिल्कुल इस हवाले से जो है फ्रेश लगेगी, लाइट लगेगी और बिल्कुल नहीं लगेगा आपने कुछ खाया है। तो अब इसको बना लेते हैं, फिर दूसरी वाली भी बनाती हूँ ताकि फिर जिनसे मैं सो गया वो भी देख सके। ओके, एक तो बन गई है, अब दूसरी जो है मैं दूसरी भी अब इसमें डाल देती हूँ। ये आपने हल्का सा ऑयल लिया, अब आपने थोड़ा सा क्योंकि तवा गर्म हो गया है आँच हल्की और कर देते हैं। अब इसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आँच से हटा के हमेशा करें सो देट आपके लिए ईजी होगा इसको फैलाना। थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि थोड़ी सी बड़ी बन जाए, फिर आपने इसको लेके बहुत आराम आराम से, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, जो कुकिंग करते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा
जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो कोशिश करें कि किसी की असिस्टेंस में ही बनाएं ये। थोड़ा सा आपने बीच बीच में से प्रेस करना है सो दैट, बेशक साइज की आपने अपने मर्जी का पैनकेक का जितना बनाना है या थोड़ा बड़ा करना है। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा नॉर्मल साइज का ही रखें, क्योंकि फिर वो क्योंकि इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट एज सच नहीं है तो फिर टूटने का खर्चा है। जैसा पहली वाली मेरी थोड़ी सी ब्रेक हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको आंच पे रख लेते हैं और अब आपने ये देख लें, थोड़ी इसकी मोटाई जो है वो कम करनी होती है सो दैट अच्छी अच्छी पतली सी मज़ेदार सी बने। ये आप देख लें, अब आपने इसको थोड़ा सा बीच से फैलाना है ताकि बीच में जो है ना ज़्यादा वो। ये आपने लिया और एक्चुअली ग्लव्स पहन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा बीच में इसको कर लेते हैं, थोड़ा स्मूथ कर लें इसको आप। और अब इसमें अब मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल, अब सही तवा गर्म हो गया, अब ये थोड़ा सा फास्टर बनेगी। थोड़ा सा आपने इधर डाल लिया और थोड़ा सा जब ज़ाहिर है पलटेंगे तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो लिड है वो लगा देते हैं, अब फाइनली जब पलटेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके लेट्स सी अब इसकी क्या सूरत हाल है। वो तो मैंने इतने मज़े की बनी कि मैंने तो थोड़ा सा खा भी लिया उसमें से, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट स्नैक नाउ डेज। मैं ज़रूर बनाती हूँ उसको हफ्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अब आपने इसको भी ये तरफ भी अच्छी तरीके से पकनी है, ये थोड़ा सा हल्का सा डाल देते हैं ताकि जब कुक हो रहा हो तो बेशक आप इसको इस तरीके से करें ताकि इसकी जो गोल्डन लुक है, जो उसमें एक सुनहरा लुक आएगा, वो आप इजीली जो है जितना पराठे को आप करते हैं इस तरह इसको मूव अराउंड करेंगे तो ये और ज़्यादा इसका अच्छा टेक्सचर भी आएगा और कुक भी सही इवनली कुक हो जाएगी। तो आज की आई होप आपको सूजी की रोटी, जिस सूजी को एक्चुअली जो साउथ इंडियंस हैं वो रावा भी कहते हैं, वहाँ पे रावा रोटी के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे ज़ाहिर है रावा से समझ नहीं आती तो मैंने फिर उसको चेंज कर दिया नाम उसका, सूजी की रोटी कर दी। ये आप देख सकते हैं सूजी साउथ इंडियन खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसीलिए उनके बाल और स्किन और अदरवाइज जो ओवरऑल हेल्थ है वो ज़्यादा एजाइल होते हैं, क्योंकि सूजी इज़ वेरी वेरी गुड। कहते हैं ना हलवा आप जो बनाते हैं सूजी का प्लेन हलवा जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसी तरीके से आई होप आपको पसंद आ रही है। ओके अब मैं देखती हूँ कि दूसरी तरफ इसकी कैसी है। अभी नहीं हुई, अभी टाइम है, क्योंकि ज़ाहिर है हल्की आंच पे बनना है। थोड़ी सी मैं आंच बेशक तेज़ कर देती हूँ और फिर जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके एवरीवन अब इसको मैं फाइनली पलट रही हूँ। इस दफ़ा इसकी जो कलर है वो आप देख सकेंगे, मैंने और थोड़ा कैमरा जो है करीब कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये देखें ये एग्जैक्टली ये टेक्सचर इसका होना चाहिए, देख लें ये गोल्डन बिल्कुल होना चाहिए। और ये अब इस तरफ जो है 2 से 4 मिनट बनेगी, इसको कवर कर देते हैं, उसके बाद हमारी आज की जो सूजी की रोटी है वो रेडी है। ओके एवरीवन इट्स रेडी, आग बंद कर देती हूँ मैं और अब इसको आपको क्लोज में भी दिखा देती हूँ। आज की जो रेसिपी आई होप आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा ये थोड़ी सी क्योंकि गर्म गर्म है तो इसको मैं निकाल देती हूँ इसमें, और हमारी दो ये देख लें ज़बरदस्त सी सेमोलिना यानी सूजी की रोटी रेडी है। अब इसको खाते हैं और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। ओके एवरीवन फाइनली सूजी की रोटी यानी रावा रोटी इज़ रेडी। मैंने इसको वैसे ही सिंपल तरीके से खा रही हूँ। आप इसको मिर्च चटनी के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त एक स्नैक है। लेट मी टेस्ट, गर्म है अभी काफ़ी। माई फेवरेट। और देखिए इसमें खोपरा भी है, हरा धनिया भी है, हरी मिर्चें भी हैं, दही भी है, एंड दैट्स अबाउट इट, जीरा भी है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्थ के लिए कितनी ज़बरदस्त हैं।
आपको एक दफा इसका मजा आने लगेगा ना तो आप जरूर हफ्ते में 3-4 मरतबा तो, और कितना इजी है बनाना और सारी जो चीजें हैं वो कितनी इजीली अवेलेबल हैं। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के अच्छे कमेंट्स का, और मेरी कोशिश होती है कि उनके जवाब भी दे दूं, और अगर आपने कुछ ईमेल पे बात करनी है तो उस पर भी आप जा सकते हैं, दैट्स khanmishi77@gmail.com। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे मैंने एक पेज भी स्टार्ट किया है मिशी खान रेसिपीज एंड ब्लॉग्स के नाम से, वी लॉग्स है कि ब्लॉग्स है जो भी उसके नाम से, तो उसमें मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और यूट्यूब पे मेरा चैनल मिशी खान के नाम से है, मैं उसको मिशी खान ऑफिशियल अभी आई थिंक थोड़े अरसे बाद आप नाम चेंज कर सकते हैं, उस पर भी अपलोडेड है फेसबुक के। थैंक यू सो मच टू ऑल द लवली ग्रुप्स, फूड ग्रुप्स जो हैं जिनके एडमिन्स जो हैं बीन सो स्वीट एंड वो मुझे ऐड करते हैं उसमें, मेरी रेसिपीज को शेयर कर देते हैं, सो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड ट्राई टू कुक थिंग्स एट होम, घर में बनाए ज़्यादा। और ये जो है सूजी की रोटी जिसका असल नाम जो है दैट इज़ रावा रोटी, वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर मेल करके बताएं। एंड थैंक यू वंस अगेन, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।